ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोलन पुलिस ने नशे के खिलाफ विशेष अभियान चलाया, जिसके चलते उपायुक्त सोलन केसी चमन और एसएसपी सोलन मधुसूदन शर्मा शहरवासियों के साथ माल रोड पर उतरे और मोबाइल की लाइट जलाकर उन भटके हुए युवाओं को उजाला दिखाने का प्रयास किया जो नशे के गहरे अंधकार में डूब रहे हैं। इस जागरूकता रैली के माध्यम से युवाओं को नशे से दूर रहने का आह्वान किया और ये बताने का प्रयास किया कि उनकी जिंदगी में उजाला रूपी सुनहरी भविष्य उनका इंतजार कर रहा है। सोलन पुलिस ने नशे के खिलाफ विशेष अभियान चलाया है, जिसके तहत उपायुक्त सोलन केसी चमन और एसएसपी सोलन मधुसूदन शर्मा शहरवासियों के साथ माल रोड पर उतरे और मोबाइल की लाइट जलाकर उन भटके हुए युवाओं को उजाला दिखाने का प्रयास किया जो नशे के गहरे अंधकार में डूबे हुए हैं। इस जागरूकता रैली के माध्यम से युवाओं को नशे से दूर रहने का आह्वान किया गया और ये बताने का प्रयास भी किया गया कि उनकी जिंदगी में उजाला रूपी सुनहरी भविष्य उनका इंतजार कर रहा है। उपायुक्त सोलन केसी चमन ने बताया कि आज उनके द्वारा शहर में रैली निकाली गई, जिसमें शहरवासियों को नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में सहयोग की अपील की गई। उन्होंने इस मौके पर कहा कि नशा रूपी दानव सभी युवाओं को अंधकार की ओर ले जा रहा है, इसलिए उनके द्वारा उन्हें रोशनी कर सही मार्ग दिखाने का प्रयास भी किया गया। उन्होंने कहा कि जब तक प्रदेश भर की सभी जनता जागरूक नहीं होगी, तब तक इस दानव को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता है। इसलिए जरूरत है कि युवा और उनके परिवार जागरूक हों और नशे के संपूर्ण विनाश में काम करें। जो समूह जो दानव है धीरे धीरे सबको ग्रसित कर रहा है। हम सबका आज ये आह्वान है, लोगों को हमने जगाया, लोगों तक बात पहुंचाई। आज कैंडल मार्च के माध्यम से ये उजाला हम लास्ट समय में करने की कोशिश कर रहे हैं कि फिर भी अगर कोई व्यक्ति इससे अछूता हो उस तक भी ये संदेश पहुंचे। तो ये हमारा एक सबकी सहभागिता जब तक सुनिश्चित ना हो तब तक हम किसी भी कुप्रथा को समूल नष्ट नहीं कर सकते। आप सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए, एक संदेश देने के एक प्रयास हमने किया, एक बहुमूल्य योगदान आपने अपना समय दे के दिया और ये प्रयास आपके अवश्य फलीभूत होंगे। और हमारा जो प्रयास है जिला प्रशासन का, पुलिस का, ये साकार रहेगा। वहीं एसएसपी सोलन मधुसूदन शर्मा ने कहा कि वे नशे को जड़ से उखाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश के सभी लोग जागरूक होंगे तो हमें हिमाचल में नशे को खत्म करने में पूरा सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि हिमाचल एक ऐसा प्रदेश बने जहां नशा बिल्कुल खत्म हो जाए, जिसे भारत के अन्य राज्य भी सीख लें। पिछले 1.5-2 साल से इस अभियान में लगी हुई है और इसमें सोलन की प्रबुद्ध जनता ने हमारा बहुत साथ दिया है। आप सब हमारे एम्बेसडर हैं, हमारे दूत हैं और इस पैगाम को, ये जो संदेश है नशे के खिलाफ, इसको घर 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 तक, हर द्वार तक पहुंचाना है। और आपके साथ मिलकर के हम ये सुनिश्चित करेंगे कि नशे रूपी ये जो दानव है ये यहाँ से ही ना सिर्फ नष्ट हो बल्कि हमारे जो साथ वाले पड़ोसी प्रदेश हैं वहाँ से भी ये समाप्त हो और हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य बने जो कि दूसरे राज्यों को एक रास्ता दिखाए, मार्ग दिखाए कि हम अगर नशे के खिलाफ अभियान चलाकर उसको ख़त्म कर सकते हैं तो बाकी प्रदेश भी उसी मॉडल को अपनाएं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सब हमारा साथ देंगे और इस संदेश को हर द्वार तक पहुँचाएंगे। इस मौके पर शहरवासियों ने जिला प्रशासन की इस मुहिम की सराहना की और कहा कि जिला की पुलिस 100 के करीब नशा तस्करों को सलाखों के पीछे पहुंचा चुकी है और करीबन 150 मामले भी दर्ज कर चुकी है, जो कि काबिले तारीफ है। उन्होंने अपील भी की कि वे ज्यादा से ज्यादा जिला पुलिस का सहयोग दें ताकि नशा तस्करों को सलाखों के पीछे पहुँचाया जा सके। देखिए कि जो हमारी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 15 नवम्बर से 15 दिसंबर तक जो नशा के खिलाफ ये जो अभियान चलाया गया है ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है और नशे के खिलाफ जितना भी हम एजुकेट कर सके अपने यूथ को उतना कम है। इन रैलियों से और हर विभिन्न प्रकार के संदेश, वीडियो संदेश या फिल्मों से हम अपने यूथ को जागरूक कर सकते हैं कि आप इस नशे की तरफ ना जाएं, आउटडोर गेम्स को खेलें,
अपने शरीर को बढ़िया बनाए और अच्छे से अच्छी फील्ड में जाए, इस नशे को छोड़ के और जिंदगी से अपना नाता जोड़े। और मैं इसके साथ ही अपने जो हमारी सोलन पुलिस है, हमारी सोलन पुलिस के 100 आदमियों के ऊपर जो चिट्टे को लेकर जो केस बनाया है, एक बहुत ही अच्छा प्रयास है। और हमें जो सूचना के उससे मिला है कि 140 केस हमारी सोलन पुलिस ने पकड़े हैं, क्योंकि सोलन जो है हिमाचल का प्रवेश द्वार है और यहाँ की पुलिस बहुत सजग है। इनको चिट्टे का जो भी कारोबारी है इनके हाथ से बचकर नहीं जा सकता, ये बहुत ही अच्छी बात है और मैं सोलन पुलिस को इसके लिए बहुत बधाई देता हूँ। ये जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का है, खास करके हिमाचल प्रदेश सरकार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस डिपार्टमेंट का जो इनिशिएटिव है ड्रग एब्यूज के खिलाफ, ये एक बहुत बढ़िया मुहिम है। सरकारी स्तर पर तो ये चल ही रहा है, पर दूसरी बात यह है कि एक व्यक्तिगत मुहिम बननी चाहिए। एक व्यक्ति के स्तर पर जब तक हम इस मुहिम को आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक ये मुहिम कामयाब होने वाली नहीं है। तीसरी जो इसमें विशेष बात है वो ये है कि इसका हमें सामाजिक उत्सवीकरण नहीं करना चाहिए। हाँ, मेरी बात को अगर ठीक ढंग से समझ रहे हो, सामाजिक उत्सवीकरण नहीं करना चाहिए। जैसे हम कोई फेस्टिविटी के मूड में होते हैं तो हम नशे की तरफ उसको ले जाते हैं कि नहीं तो उसके बिना हमारा काम चलने वाला नहीं है, उससे भी इसका प्रचार प्रसार और बढ़ रहा है और पर्कुलेशन हो रही है। तीसरी बात ये है कि जो एनजीओज है उनको खास तौर पर अवेकनिंग का काम करना चाहिए। और चौथी बात, जो विशेष बात यह है, जो पेरेंट्स जिससे घबराते हैं वो ये कि एक बीमारी है, इसको एक बीमारी की तरह ट्रीट करना चाहिए। और जैसे हम बीमारी को लेकर के डॉक्टर के पास हिचकिचाने से नहीं डरते हैं, उसी तरह से यदि कोई नशे का आदि पड़ गया हो तो उसको भी डॉक्टर के पास ले जाने से हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए।